हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं और कंसेप्टोलॉजी को रैशनल को लेकर के अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो इस संघर्ष की भट्टी में खुद को जलाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत की जाती है। सुबह सुबह का समय है, कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है और जिस व्यक्ति का ख्वाब है सूरज की तरह चमकना तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। होके मायूस नहीं हूं, शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भौर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। धीरे चलो लेकिन निरंतर चलो, ज्यादा तेजी से चलोगे तो थक जाओगे और ज्यादा धीरे चलोगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी। और तुम तो मेरे राफेल स्टूडेंट हो, राफेल को राफेल की स्पीड से उड़ाओ। कमेंट बॉक्स में राफेल की तरह है कमेंट बॉक्स चलना चाहिए ताकि पड़ोसी की नजरें आए तो उसे पता चलना चाहिए कि तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। क्योंकि रुकना हमारा ख्वाब नहीं, हमारा ख्वाब है नॉर्थसेट को झुकाना, नॉर्थसेट को उसकी औकात दिखाना और निरंतर मेहनत के साथ में अपने सफलता को सुनिश्चित करना और 80,000 की वो सैलरी निकाल के लाना जिससे तमाम अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सके। और वो काम हम करके दिखाएंगे, वो कारवा हम करके दिखाएंगे क्योंकि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर, शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखेगा, चारों ऑप्शन को देखेगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर जरूर करेगा क्योंकि कमेंट ही आपकी क्वालिटी, कमेंट ही आपके कॉन्फिडेंस को उभार करके लाएगा जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करके दिखाएगा। तो अभी तक जिस बच्चे ने अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी के वादियों में बैठे हुए आपके अपने गूगल स्टूडेंट को नहीं जगाया है तो जिम्मेदारी आपकी, मैं सेशन को संभालता हूं, तुम कमेंट बॉक्स को संभालना, दोनों मिलके एग्जाम को उसकी औकात दिखाएंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार से, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 30 ईयर ओल्ड क्लाइंट हैज बीन एडमिटेड। अरे भैया जी, ये कोई 30 साल का व्यक्ति आकर के भर्ती हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, 30 साल का कोई व्यक्ति आकर के भर्ती हो गया है और आपसे क्या बोला जा रहा है, एडमिटेड टू द साइकेट्रिक सर्विसेज। और भैया जी, मानसिक रूप से बीमार चिकित्सा के क्रियाक्रम में भर्ती हुआ है, कार्यक्रम बोल सकते हो, क्रियाक्रम ना बोलना चलेगा। नेक्स्ट बोल दिया कि विथ द डायग्नोसिस ऑफ, और उसमें डायग्नोसिस हो गया है सिजोफेनिया, मानसिक रूप से बीमार है और बीमारी का नाम है सिजोफेनिया। ठीक है, अभी पूरा सिजोफेनिया को समझ लेंगे। ही टेल्स, वो बोल रहा है द नर्स दैट वेन, अरे जब नर्स को देगा, वेन अरे वुमन ही हैज बीन ए डेटिंग ए ब्रॉक्स अप विथ हिम, अरे ध्यान रखिएगा कि वो डेट करते हुए ब्रॉक कर गई। नेक्स्ट क्या बोल दिया कि द CIA हैड द रिप्लेस हर विथ ए आइडेंटिकल ट्विंस, और वो अपने दिमाग में आने वाली थिंकिंग थॉट प्रोसेस को या क्राइमिनल लेवल को क्या कर रहा है, आइडेंटिकल ट्विंस में रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट आपसे क्या बोल दिया कि द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग, ये मरीज क्या महसूस कर रहा है। सारे बच्चों का जवाब बी 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 आने लगा, व्हाट डू यू मीन बाय सिजोफेनिया। यूगेन ब्रूवर ने जानकारी दी थी कि सिजोफेनिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ बेट, अरे सिजोफेनिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ बेट, बेट बोले तो बिहेवियर अफेक्ट और थॉट। ध्यान रखिएगा सिजोफेनिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ बेट, बिहेवियर अफेक्ट, थॉट का डिसऑर्डर है। यह जानकारी यूगेन ब्रूवर ने दी थी, किसने दी थी, यूगेन ब्लूवर ने दी थी, यूगेन ब्लूवर ने जानकारी दी थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सिजोफेनिया नाम की बीमारी एक प्रकार का साइकोसिस है, यानी व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है लेकिन अपनी बीमारी को मानता नहीं है। चार प्रकार के सिजोफेनिया होते हैं, आप सबको पता होगा, सिंपल सिजोफेनिया, एबेब्रेनिक सिजोफेनिया, पैरानोइड सिजोफेनिया और कैटाटोनिक सिजोफेनिया। ध्यान रखिएगा टाइप ऑफ सिजोफेनिया अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहला नाम आएगा सिंपल सिजोफेनिया, अरे दूसरा नाम देखने को मिलता है एबेब्रेनिक सिजोफेनिया, एबेफ्रेनिक सिजोफेनिया, तीसरा नाम देखने को मिलता है भैया जी ई पैरानोइड सिजोफेनिया, और चौथा नाम देखने को मिलता है जिसे अपन बोलते हैं कैटाटोनिक सिजोफेनिया, चौथा नाम देखने को मिलता है जिसे कैटाटोनिक, जिसमें दो नाम आता है कैटाटोनिक स्टूपर और प्यारे दोस्तों आता है एक्साइटेड,
एक्साइटेड, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सिजोफेनिया। सिंपल सिजोफेनिया वाला मरीज क्या करता है, धीरे धीरे सोसाइटी से खुद को विड्रॉल करना शुरू कर देता है। ध्यान रखिएगा, मेरी क्लास को मूवी की तरह प्लीज नहीं देखें, हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने नोट्स बना लेना ताकि तभी तुम बोलोगे 360 डिग्री इज मच मोर सफिशियंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जिस दिन एग्जाम हॉल के बाहर आओगे तुम्हारी चेहरे पर चमक होगी और चमक की मुस्कुराहट के अंदर 360 डिग्री नाम होगा। यह मैं लिख के दे सकता हूं प्यारे दोस्तों, जब भी होगा, जब रोजमर्रा सेशन देखोगे, पॉजिटिव पार्टिसिपेट करोगे, अच्छी अच्छी चीजें अपने स्वर्ण अक्षरों में नोट्स बुक में लिखोगे। क्लियर है, मूवी की तरह नहीं दिखना है प्यारे दोस्तों, तुम्हें गूगल स्टूडेंट बनकर दिखाना और तमाम उन लोगों के मुंह पे ताला जड़ना है जो कहते हैं यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं निकलता। ध्यान रखिएगा, सिंपल सिजोफेनिया का मतलब व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉल करने लग जाता है। पहले आता था मम्मी पापा से, बीबी बच्चों से बात करता था, आजकल ऑफिस से आया रूम में चला गया, रूम का दरवाजा बंद कर दिया, इवन देन खाने को भी कम करना शुरू कर दिया, लोगों से बातचीत बोलचाल कम करने लग जाए, ऐसा सिंपल आने लगे तो इसे सिंपल सिजोफेनिया बोलते हैं। दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों लिखा हुआ है हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया। अरे ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया, जिसे डिसऑर्गेनाइज सिजोफेनिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है, डिसऑर्गेनाइज सिजोफेनिया। डिसऑर्गेनाइज सिजोफेनिया का मतलब होता है यहां व्यक्ति 55 से 55 में चला जाता है। अरे 55 से कहां चला जाता है, 55 में व्यक्ति जाने लगता है, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया कहलाएगा। बाबा फरीद का एग्जाम अच्छा हुआ, सारे एग्जाम अच्छे होंगे ये मेरी गारंटी है। जितना तुम्हें आएगा तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आएगा, और जो तुम्हें नहीं आएगा खुले मन से चैलेंज है, किसी को पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, आप 55 से 55 में चला गया, यानी भैया जी भोर जवानी के अंदर जो अच्छे अच्छे काम आने चाहिए, जैसे कि कमाऊं कैसे, परिवार की ग्रोथ कैसे कराऊं, माता पिता की केयर कैसे करूं, अपने परिवार को कैसे संजो के रखूं, वहां ये बोल रहा है मम्मी मुझे तो पानी पूरी खानी है वरना पैर पटक पटक के रोने लग जाएगा, ऐसी हरकतें करेगा वो क्या कहलाता है, हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया वाला पेशेंट देखने को मिलता है। अरे छोटी छोटी चीजों को लेकर के जिद करने लगेगा, नेल बाइटिंग करने लगेगा, अपने प्राइवेट पार्ट को लोगों को एक्सपोज कराना शुरू कर देगा, अपने कहीं पे भी यूरिन पास आउट कर दिया, कहीं पे भी फिकल पास आउट कर दिया, ऐसी चीजें देखने को मिलती है, वो हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया कहलाता है। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों पैरानोइड सिजोफेनिया। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है पैरानोइड सिजोफेनिया, यानी मरीज के अंदर यहां क्या हो जाता है, डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन इज ए मोस्ट मार फीचर ऑफ द पैरानोइड सिजोफेनिया। या व्यक्ति को हर पल, हां हर पल याद सताए तेरी नहीं, अरे यहां पर हर समय मरीज के दिमाग में क्या देखने को मिलेगा, शुभम 360 मच मोर सफिशिएंट बेटर टिकर है जाना, और पेपर के दिन आके कमेंट कर देना चलेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला पैरानोइड सिजोफेनिया वाले में डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन, यानी हर पल इससे लगता है कि मुझे कोई मारना चाहता है, कोई काटना चाहता है, कोई जिंदगी से उड़ाना चाहता है, कोई इस दुनिया से गायब करना चाहता है। जैसे कि मान लीजिएगा ऑफिस से घर आया, पत्नी बैठी बैठी सब्जी छील रही थी, पत्नी के धर्मपत्नी के हाथ में चाकू देख करके लगा कि आज घोंप के मारेगी देवी। अंदर गया तो बेडरूम में बच्चे, भैया जी छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे थे, जो बैडमिंटन से खेल रहे थे, रॉकेट से खेल रहे थे, क्रिकेट से खेल रहे थे, अरे या दीपावली के फटाके लेकर के बैठे थे, उसको लगा कि आज तो भैया जी जान जाएगी, अरे आज तो क्या जाएगी जान जाएगी। मम्मी पापा मान लीजिएगा कि पिताजी के हाथ में लाठी देखी थी चलने के लिए, उन्हें जो कैन यूज ली जाती है वो कैन लेकर के चल रहे थे, इनको लग रहा है आज पिताजी ही इससे मार डालेंगे। ऑफिस में गए, सिक्योरिटी वाला बंदूक लेके बैठा रहता है, अपने को पता है पूरी दुनिया को कि सिक्योरिटी वाले के पास ऐसी बंदूक होती है जो कभी चलती नहीं है। जी हाँ, सिक्योरिटी वाला बंदूक लेकर के बैठा था और उसने खड़े होकर के आई जी गुड मॉर्निंग सर, अरे बोलते ही उसकी जान निकल गई कि अरे अरे बैठ 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 तू, अरे ये वाला क्या कहलाता है, पैरानोइड सिजोफेनिया वाला होता है। हर पल मम्मी पापा ने खाना डाल के बोला बेटा खाना खा ले, नहीं नहीं आज तो जहर डाला होगा, दोस्त ने बोला कि पिज्जा की पार्टी दे देता हूं, नहीं नहीं मारना चाहता है, हर टाइम मारने काटने के बारे में सोचता रहता है। लास्ट में आ जाता है कैटाटोनिक सिजोफेनिया। कैटाटोनिक का मतलब यहां फिक्स है, अरे फिक्स स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी, जिसमें लिखा हुआ स्टूपर कैटाटोनिक। स्टूपर का मतलब होता है व्यक्ति म्यूटेन मोशनलेस हो जाता है। अरे कैटाटोनिक स्टूपर का मतलब व्यक्ति म्यूटेन मोशनलेस हो जाता है, जो ध्यान रखिएगा कि एकदम डमी की तरह, जैसे कि मार्केट के अंदर जाते हैं कपड़े की दुकान के बाहर एक भाई साहब खड़े होते हैं और वो भाई साहब न हंसते हैं मुस्कुराते हैं न पलके झपकाते हैं, बस एक ही सुंदर रूप सौंदर्य लेकर खड़े रहते हैं और ज्यादा धूप में खड़े रहने से कलर भी उड़ जाता है, वही वाले डमी की तरह अगर कोई व्यक्ति नजर आता है तो स्टूपर कहलाएगा। वहीं पे लास्ट एक्साइटेड, नाम से ही पता चलता है एक्साइटेड का मतलब इसका वाइल्डिस्ट बिहेवियर, जानवर जैसी हरकतें करने लगता है। अरे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसका किसी का बाप कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको अपना बाप भी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो एक्साइटेड होता है, यानी एकदम जंगली शेर की तरह भागता रहता है, चीते की तरह करता रहता है और इतनी खतरनाक हरकतें होती है कि खुद को नुकसान या सामने वाले को भी नुकसान करवा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे आपके 4 सिजोफेनिया के टाइप होते हैं, इनमें मैं लिखने की कोशिश करूं। वैसे अपन साइकोसिस में बोलते हैं इनसाइट और जजमेंट अब्सेंट होते हैं, और साइकोसिस में ईसीटी
काम करती है। लेकिन प्यारे दोस्तों ऊपर वाले दोनों में ईसीटी नॉट मच इफेक्टिव या ईसीटी नॉट इफेक्टिव लिख सकते हो या नॉट मच इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ध्यान रखिएगा नॉट मच इफेक्टिव देखने को मिलती है, लेकिन यहां आप क्या लिखोगे, वेल इफेक्टिव। ध्यान रखिएगा यहां आपकी ईसीटी वेल इफेक्टिव देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां आपकी ईसीटी क्या देखने को मिलती है, वेल इफेक्टिव यानी जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद इफेक्टिव देखने को मिलेगी। अरे मेरे राफेल स्टूडेंटों, अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाक से कर दीजिएगा, क्योंकि अंगारे पे राख जमी है। तो ये ना समझो कि अंदर आग नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी आग है कि नॉर्सेट को जला के राख कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो ध्यान रखिएगा इनमें ईसीटी अच्छी है, उनमें ईसीटी अच्छी नहीं है। अब मुझे कमेंट करके बता दो 4A सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया, सिजोफेनिया के मरीज में 4A सिम्टम आते हैं, ऐसा भी युगेन ब्रुवर नाम के भाई साहब ने बताया था। 4A सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया, अरे 4A सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलता है, तो आपने सुना होगा एसोसिएटिव लूजनेस, एसोसिएटिव लूजनेस। अरे आपने सुना होगा भैया जी एम्बिवेलेंस, आपने सुना होगा अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट, और आपने सुना होगा ऑटिज्म। तो कुल मिलाकर के सिजोफेनिया में 4A सिम्टम देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों। अरे ये वाले देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वेरी गुड, जरूर मिलते हैं। ऑटिज्म का मतलब होता है व्यक्ति अपनी ओवन फैंटेसी में जीना शुरू कर देता है। ज्यादातर ऑटिज्म बच्चों में देखने को मिलता है, 3 साल के छोटे बच्चों में, बाकी किसी में हो सकता है। सिजोफेनिया का मोस्ट मार्क फीचर है ऑटिज्म, अपनी ही जिंदगी में मशगूल हो जाओगे, दुनियादारी भाड़ में, अरे भाड़ में जाए दुनिया सारी, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे मिलना जुलना बातचीत वगैरह, कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं है, ऑटिज्म कहलाएगा। अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट, अफेक्ट का मतलब होता है इमोशन, मूड अफेक्ट और इमोशन तीनों एक ही शब्द है। तो अफेक्ट का मतलब होता है इमोशन, इमोशन का मतलब सामने वाले की क्रिया के ऊपर अपनी दी गई प्रतिक्रिया या अपनी भावनाएं। तो इमोशन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल इमोशन और इंटरनल इमोशन। इंटरनल इमोशन में हमेशा वाइटल साइन आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सटर्नल में बॉडी का गेस्चर पोस्चर टोन वॉल्यूम प्रेशर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि आपका नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया, अरे आपका नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया यानी मूड में एलिवेशन होगा, मूड में एलिवेशन होगा तो आपके एक्सटर्नल इमोशन क्या आएंगे, अरे तुम्हारी आवाज में स्ट्रांगनेस आ जाएगी, जी सर बोलिएगा, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड इवनिंग, सर हां मम्मी हां पापा, आवाज में जान आ गई, यानी टोन बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, टोन के साथ वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ गया, गेस्चर पोस्चर बढ़ गया। गेस्चर पोस्चर का मतलब कितना भी थका मारा है, 2-3 दिन से नींद नहीं ली और नॉर्सेट में रिजल्ट में सिलेक्शन हो गया या केजीएम में हो गया या किसी भी पेपर में हो गया, फटाक से नींद में आधी रात को 2 बजे रिजल्ट देखा है, 3 दिन से सोए हो, 2 बजे रिजल्ट आया, रिजल्ट में रिकॉर्ड फाउंड आते ही ऐसा महसूस कर रहे हो जैसे कि भैया जी अपन तो पूरी नींद लेके उठे, एकदम यू फुल कॉन्फिडेंस, फुल एक्साइटेड होता है, ये गेस्चर पोस्चर में आपका परिवर्तन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इमोशन। इंटरनल में क्या होगी, तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, तुम्हारा बीपी बढ़ने लगेगा, तुम्हारी एक्साइटमेंट बढ़ने लगेगी, इंटरनल वर्क बढ़ने लगेगा, इंटरनल मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन बढ़ने लगा, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी, थिंकिंग थॉट सोच बढ़ने लगेगी, ये होते हैं इंटरनल इमोशन। तो यहां अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट का मतलब सामने वाले की दी गई क्रिया के ऊपर गलत प्रतिक्रिया करना। जैसे कि प्यारे दोस्तों किसी ने बोला तेरा नॉर्सेट में सिलेक्शन हो गया, इसने बोला मेरा नॉर्सेट में सिलेक्शन हो गया, अरे मेरा नॉर्सेट में नहीं होना था, अरे मेरे को नौकरी नहीं करनी यार, मेरे को घर रहना, अरे उल्टे उल्टे रिजल्ट देखने शुरू कर दिए। अफेक्ट का मतलब इमोशन और इनएप्रोप्रिएट का मतलब गलत इमोशन देते हो, किसी के शादी में जाकर के रोना, रिप 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 लिख रहे हो, और भैया जी किसी की डेथ के ऊपर कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस एंड ब्राइट फ्यूचर लिख करके आ रहे हो। तो कुल मिलाकर के अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट यानी गलत इमोशन प्रकट कर दिए। किसी दूल्हे के सामने जाकर के आंसू टपकाने लग गए, तो किसी की अर्थी पे जाकर के स्माइल मारने लग गए, तो ऐसी चीजें कहलाती है अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, ऐसे लक्षण को पागली तो कहते हैं। दूसरा लिखा हुआ एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का मतलब एक ही व्यक्तित्व के लिए एक ही समय में दो प्रतिक्रिया दिखाना एम्बिवेलेंस कहलाता है। ध्यान रखिएगा एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय में दो प्रतिक्रिया दिखाना एम्बिवेलेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि मेरे पिताजी इतने ज्यादा खड़ूस हैं कि मुझे डेली डांटते रहते हैं, मुझे गालियां निकालते रहते हैं, मुझे बोलते हैं तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं करता है, तू पढ़ता नहीं है, तू नौकरी नहीं कर सकता, तू गाय भैंस चराएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये आपके लिए नेगेटिव फीचर्स ऑफ द फादर बता दिया, और अगले ही पॉइंट बोल दिया कि पिताजी मुझे पैसों के लिए कभी मना नहीं करते, कितने भी मांग लूं, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 कुछ भी कहो, पैसे के लिए कभी मना नहीं किया। तो एक पल तो डांट और दूसरे पल आपने उनकी तारीफ कर दी। दूसरे नंबर पे भैया जी अपनी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी कहीं पे भी जाने का बोल देता हूं, अरे मेरी मम्मी को कहीं पे भी जाने का बोलता हूं तो मम्मी बोलती है जल्दी जाना, टाइम से जाना, टाइम से आना, गाड़ी धीरे चलाना, पहुंच के फोन करना, ये करना वो करना, अनाप शनाप मत खाना, ये ट्रम सट्रम, ये मम्मी के लिए नेगेटिव पॉइंट बोल दिया। अगले ही पॉइंट बोल दिया कि मम्मी यार किसी भी चीज के लिए मुझे मना तो नहीं करती है, पापा की हर एक डांट से बचाने वाली मम्मी होती है,
तो कुल मिलाकर के एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 360 के लिए आपने बोलना शुरू कर दिया। अरे यार सिद्धार्थ सर की एक खास बात गजब है कि रोज क्लास लेते हैं और सारे सब्जेक्ट वो लपेट के भयंकर वाला रेशनल लाते हैं, अगर ढंग से पढ़े तो किसी को और कोर्स की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगले ही पन बोल दिया कि कभी कभी कमेंट करते हैं तो लपेट लेते हैं। तो एक नेगेटिव पॉइंट बोल दिया कि कभी कमेंट करते हैं तो लपेट लेते हैं, और दूसरी साइड में आपने 360 को लेकर के तारीफ कर दी, तो एक ही पर्सन के लिए दो चीजें देखने को मिलती है, वो एम्बिवेलेंस कहलाती है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब इस सेम ही डायरेक्शन में दो चीज डेवलप होना कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा ये एम्बिवेलेंस पहला लिख दिया एसोसिएटिव लूजनेस, जो वाक्य या जो बात बोलना चाहते हैं जो वाक्य या जो बात बोलना चाहते हैं प्यारे दोस्तों उसमें लूजनेस वाली चीज आ गई। लूजनेस का मतलब सामंजस्य खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बात बोलनी थी कि मैं सुबह उठता हूं, सुबह उठने पे मम्मी मुझे चाय के बारे में चाय देती है, चाय पिलाती है, उसके बाद में मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं और क्रिकेट से आकर के मैं योगा करता हूं, योगा करने के बाद हां रामदेव बाबा ने भी बोला था योगा से ही होगा, उसके बाद में मैं पढ़ाई करने बैठ जाता हूं और पढ़ाई के बाद में सो जाता हूं, मान लीजिएगा वाक्य यह था। तो ये तो एक चीज समझ में आई, सुबह उठा मम्मी ने चाय पिलाई तुम क्रिकेट के लिए आए योगा किया उसके बाद पढ़ाई करने लगे। लेकिन इसी का तोड़ मरोड़ दिया, तुमने बोल दिया कि सचिन क्रिकेट का भगवान है, मम्मी खाने के लिए मना करती है, स्कूल जाना मुझे पसंद नहीं है और रात को नींद नहीं आती है तो मैं दुबई घूमने के बारे में नहीं सोचता हूं। तो ये क्या बात हो गई, मम्मी खाना सचिन दुबई, कोई सामंजस्य नहीं है। अरे कोई सामंजस्य कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है। तो वो वाली चीज आज भैया जी बाउंड्री लाइन क्रॉस होनी चाहिए। आज मैं 360 की सबसे अहम बात के बारे में डील करूंगा जो मैंने आज तक कभी नहीं की है, ध्यान रखिएगा, और वो होगी 360 के अंदर छुट्टी के बारे में डील करूंगा। तो जल्दी से मैक्सिमम उन तमाम विद्यार्थियों को कनेक्ट कर दीजिएगा जो अपने साथ में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप ही की परमिशन के द्वारा आप ही के कहने से मुझे इमीडिएटली कोई छुट्टी की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों के द्वारा स्वीकृति मिलती है नहीं मिलती है, कौन सी छुट्टी है, कब चाहिए और क्यों चाहिए, उस तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए बाउंड्री लाइन पे आंकड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए, और मुझे हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे और उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उस चीज को जरूर देखोगे कि 700 एपिसोड तक मैंने कभी भी छुट्टी नहीं ली, और अगर मुझे कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी के कारण अगर लेनी पड़ी तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मना भी नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, या मैंने बोल दिया एसोसिएटिव लूजनेस के बारे में, एम्बिवेलेंस के बारे में, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट और ऑटिज्म, ये तमाम चीजें आपके लिए क्या देखने को मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, और यह गारंटी अगर आप मना कर दोगे तो नहीं भी लूंगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, प्रिडिक्शन नहीं करनी है, आंकड़ा लगाना है, क्लियर कट मैं बता दूंगा। ध्यान रखिएगा ये वाले तमाम चीजें होती है, और एंटी साइकोटिक दवाई देकर के मरीज को ठीक किया जाता है, ये तमाम चीजें आपके सामने मैंने बोल दी, ये कहलाता है सिजोफेनिया। ये क्या देखने को मिलता है, सिजोफेनिया वाली चीज देखने को मिलेगी। तो क्या इसमें ग्रैंडियोसिटी हो जी है, ग्रैंडियोसिटी डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीव, ध्यान रखिएगा डिल्यूजन का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, फॉल्स फिक्स बिलीफ के बारे में बोल रहा हूं। किसके बारे में बोल रहा हूं, फॉल्स फिक्स बिलीफ के बारे में बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉल्स फिक्स बिलीफ का मतलब अनशेकेबल थिंकिंग या दिमाग में ऐसी बात का बैठ जाना जो किसी भी हालत में नहीं हट सकती, किसी के बाप से नहीं हट सकती, उसे डिल्यूजन बोला जाता है। और ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड खुद को समझना, दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल खुद को समझना, दुनिया में सबसे ज्यादा हायर पर्सनालिटी खुद की रखना, यह कहलाता है ग्रैंडियोसिटी। उड़ा दो, कहीं नहीं बोला। दूसरे नंबर पे सर ये शक संदेह वाली चीजें मारने काटने के बारे में सोच रहा है, पैरानोइड कहलाएगा। और डिल्यूजन ऑफ पैरानोइड डिल्यूजन वाली कंडीशन या डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मोस्ट मार फीचर ऑफ पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। तीसरा लिखा हुआ ऑडिटरी एल्यूसिनेशन, ऑडिटरी का मतलब कानों में गिरने वाली आवाज, और एल्यूसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ इन द अब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, वास्तविक स्टिमुलाई कुछ भी मौजूद नहीं होता है, और उस टाइम में आप झूठा अंदेशा कर लेते हो ऑडिटरी है कोई कानों में आवाज नहीं, और विजुअल है तो दोनों में भैया जी यहां दिख कुछ नहीं रहा। ये दोनों ही डिसऑर्डर किसके हैं, परसेप्शन के। ये दोनों ही डिसऑर्डर किसके देखने को मिलते हैं, परसेप्शन के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, और परसेप्शन अपने सेंसरी ऑर्गन से किया जाता है। अरे किससे किया जाता है, सेंसरी ऑर्गन से किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। परसेप्शन किससे किया जाता है, अपने सेंसरी ऑर्गन से परसेप्शन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ध्यान से पढ़े पहचाने परखें और फिर जवाब देने की कोशिश करें। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।
बीसी। नेक्स्ट आपसे सवाल ने क्या पूछ लिया, सवाल आपसे पूछ रहा है पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विद द रूमेटिक फीवर, एक बच्चा है जिसके माता पिता, अरे कौन सा बच्चा है, रूमेटिक फीवर का बच्चा है, उसके माता पिता की बात हो रही है, एक्सप्रेस देयर कंसर्न दैट विल बी ऑलवेज बी आर्थराइटिस, और उसके घर वालों का कहना है कि इसके बच्चे को ऑलवेज आर्थराइटिस रहता है, हमेशा ही आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट आपसे बोल दिया कि द नर्स शुड डिस्कस देयर द कंसर्न एंड टेल द जॉइंट पेन यूजुअली, और पेन कितने टाइम वाला देखने को मिलता है, पहली बात रूमेटिक फीवर इज ऑटो इम्यून डिजीज, अरे ये क्या देखने को मिलती है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज, यानी व्यक्ति के शरीर ही उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। आर्थराइटिस का मतलब देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, अरे क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट वाली कंडीशन, अरे इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट यानी मरीज के जॉइंट खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला लिखा है सबसाइट इन द लेस देन 3 वीक, क्या ये 3 वीक में ठीक हो जाते हैं, दूसरा लिखा हुआ इट रिलीव बाई एस्प्रिन, क्या ये एस्प्रिन से ठीक हो जाते हैं, तीसरा इट इज ए रेस्पॉन्सिव टू आइबुप्रोफेन, क्या ये आइबुप्रोफेन को रेस्पॉन्ड करते हैं, और लास्ट लिखा है सबसाइड इन द 36 डेज, 36 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों 36 दिन में ठीक वाला कांसेप्ट नहीं है, 18, अरे 18 दिन के अंदर ये सबसाइड वाली कंडीशन देखने को मिलती है, अगर पेशेंट प्रॉपर्ली चीजों को फोकस करे और उसे रिजोल्व करने की कोशिश करे, ना कि प्यारे दोस्तों ये एस्प्रिन से रिजोल्व वाला कांसेप्ट या आइबुप्रोफेन या काम करती है। ज्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर स्टेरॉइड काम में लिया जाता है जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोध क्षमता को और ज्यादा डाउन करता है और जिससे कंडीशन स्टेबल हो जाती है, ध्यान रखिएगा स्टेरॉइड। और लेकिन जब भी मरीज को स्टेरॉइड दिया जाता है तो उसके साथ में हमेशा क्या चेक किया जाता है, इम्यून रेस्पॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपकी बात की जाए, अरे जब भी रूमेटिक फीवर वाले मरीज के बारे में बात किया जाएगा तो वहां आपको किसके बारे में फोकस होगा, इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में चीजें देखी जाती है। जब भी उसको स्टेरॉइड दिया जाता है तो प्रिवेंट द चांसेज ऑफ ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन, ध्यान रखिएगा ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन को बचाव किया जाता है। लग गई लंका, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां लंका लगेगी एग्जाम हॉल में नहीं लगेगी, क्योंकि जितना तुम्हें आता है तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, और जो तुम्हें नहीं आता वो पूरे विश्व में किसी को नहीं आता, यह आपके अपने 360 डिग्री का वादा है। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हां स्टेरॉइड देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करो, हाइजीनिक चीजें देनी है, मास्क पहनाना है, वायरल इंफेक्शन को बचाना है, मरीज को लाइव वैक्सीन को अवॉइड करना है, अननेसेसरी इंजेक्टेबल चीजों को अवॉइड करना है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन को रोकना है, किडनी असेसमेंट करना है, मरीज में कुशिंग सिंड्रोम को ऑब्जर्व करना है, ये तमाम चीजें स्टेरॉइड के साथ देखते रहना है। पोर्टेबल सक्शन मशीन, सक्शन मशीन, सक्शन मशीन, बहुत बढ़िया। चाहे इसे आप सक्शन मशीन बोलो, चाहे आप इसको सक्शन एपरेटस बोलो, सक्शन मशीन बोलो, चाहे आप इसे सक्शन एपरेटस बोलो, सक्शन मशीन बोलो, सक्शन एपरेटस बोलो, सक्शन डिवाइस बोलो, सक्शन का मतलब ये हमेशा कैसे काम करती है, सर ये नेगेटिव प्रेशर पे काम करती है। अरे कैसे काम करती है, नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम चैम्बर बनाने का काम करती है। नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम चैम्बर जैसी चीजें देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि प्रेशर कितना लगाया जाता है, तो आप 100 से 120 mm ऑफ Hg लगा सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद प्यारे दोस्तों मैंने आपको बता दिया 80 से 100 लगा सकते हो, अरे 60 से 80 लगा सकते हो। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों 40 से 60 लगा सकते हो, 20 से 40 लगा सकते हो। ध्यान रखिएगा ये इस प्रकार से इसमें सक्शन क्रिएट किया जाता है। अरे इसके अंदर ये क्या किया जाता है, सक्शन क्रिएट वाला मामला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।
अरे ये इस प्रकार से इस मरीज में सक्शन लगाया जाता है, और ये किसके लिए है, टूटू के पापा के लिए एडल्ट, सर ये किसके लिए, टूटू के बड़े भाई के लिए चिल्ड्रंस, अरे ये किसके लिए है, ये इन्फेंट यानी और छोटा भाई, उससे छोटा भाई ये टूटू खुद है न्यू बॉर्न, और ये न्यू बॉर्न के बाद में एक और कच्चा बच्चा आ गया जिसे अपन बोलते हैं प्रीटर्म, अरे जिसे क्या बोलते हैं प्रीटर्म के नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये सक्शन चैम्बर होता है इसको कितना फिल करना चाहिए, सर इसको 2/3, अरे 2/3 भरने पे खाली कर देना है, इसको भी ध्यान रखिएगा ऑलवेज डॉक्यूमेंट बिफोर एम्प्टिंग, ऑलवेज डॉक्यूमेंटेशन बिफोर एम्प्टी, खाली करने से पहले इसके लेवल को जरूर डॉक्यूमेंट करना है कि कौन सा सिक्रेशन कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इंफॉर्मेशन के लिए आंकड़ा बड़ा चाहिए प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ध्यान रखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पे विश्वास जाता है तो वो है स्टूडेंट। तो फटाक से आग की तरह क्लास को फैला दीजिएगा, ये आपके प्रेशर चैम्बर है और ये बटन वाली चीज है, और ये आपके लिए क्या देखने को मिलते हैं, इसके जार देखने को मिलते हैं, इन जार को खाली करने के लिए 2/3 वाला हिस्सा मैंने बता दिया है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा प्रेशर कब अप्लाई करना होता है, तो ऑलवेज अप्लाई एट द विथड्रॉल टाइम ऑफ द कैथेटर, ध्यान रखिएगा ऑलवेज प्रेशर शुड बी अप्लाई एट विथड्रॉवल ऑफ कैथेटर, कैथेटर को विड्रॉल करते टाइम आपको प्रेशर अप्लाई करना है ताकि वो प्रेशर बराबर लगेगा। म्यूकोजा को इरिटेट होने से बचाने के लिए जेली का यूज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा प्रिवेंट चांसेस ऑफ म्यूकोजल इरिटेशन यूज द जेली, अरे क्या यूज कर सकते हो, अरे लिग्लोकेन की जेली काम में ले सकते हो। लेकिन आपको पता है कि सक्शन के दौरान क्या देखने को मिल सकता है प्यारे दोस्तों, सर सक्शन के दौरान एक तो ब्रेडिकार्डिया और एक हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सिया के लिए ऑक्सीजन लगा दो और ब्रेडिकार्डिया के लिए वेगस नर्व को टच करने से बचाव करो। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे तो एक लाइन तो ये लिख लो कि सक्शन नॉट मोर देन, सक्शन नॉट मोर देन 10 सेकेंड, ध्यान रखिएगा 10 सेकेंड से ज्यादा सक्शन नहीं करना है, अरे 10 सेकेंड से ज्यादा सक्शन नहीं करना है पहली बात। दूसरा ध्यान रखिएगा कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं सक्शन के, अरे सक्शन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, तो इस चीज को जरूर फोकस कीजिएगा। और कॉम्प्लिकेशन में प्यारे दोस्तों या आपके अंदर देखने को मिलता है एक तो हाइपोक्सिया, अरे क्या देखने को मिल सकता है हाइपोक्सिया, और दूसरा देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों ब्रेडिकार्डिया, क्या देखने को मिल सकता है हाइपोक्सिया और ब्रेडिकार्डिया। एग्जामिनर दोनों का अलग अलग रेशनल पूछे तो तुम तो गूगल स्टूडेंट हो तुम्हें तो पता है हाइपोक्सिया का कारण है प्रोलॉन्ग सक्शनिंग, अरे इसका कारण क्या देखने को मिलता है प्रोलॉन्ग सक्शनिंग के कारण देखने को मिलता है। ब्रेडिकार्डिया किसके कारण होता है ड्यू टू वेगस नर्व स्टिमुलेशन, अरे किसके कारण है वेगस स्टिमुलेशन के कारण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वेगस नर्व का स्टिमुलेशन हो गया तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, लंबा सक्शन कर दिया तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। बचाव करने के लिए क्या करो, गिव ए हाइपर या हाइपर ऑक्सीजनेटेड द पेशेंट बिफोर सक्शनिंग, इसको प्रिवेंट करने के लिए पहले ही मरीज को क्या करो हाइपर ऑक्सीजनेटेड करो, हाइपर ऑक्सीजनेटेड हाइपर ऑक्सीजनेटेड द पेशेंट बिफोर सक्शनिंग, सक्शनिंग से पहले मरीज को हाइपर ऑक्सीजनेटेड कर दो। तो ये पूरा का पूरा सक्शनिंग नाम का टॉपिक खाली मशीन ही नहीं, उनके तमाम चीजें आपके सामने, एक आपको पता है म्यूकस सक्कर होता है और एक एसेप्टो सिरिंज होती है, ये भी बच्चे के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर कभी भी आपको एग्जामिनर ऐसी कोई स्ट्रक्चर दिखा देता है जो भोंपू जैसी होती है, अरे इस प्रकार की आपने एक सिरिंज देखी होगी, ध्यान रखिएगा एक इस प्रकार की डिवाइस देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये अलग अलग डिवाइस हैं आपके सामने देखने को मिल रही है, ध्यान रखिएगा ये वाली
तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार की डिवाइस आए, तो प्यारे दोस्तों इसे बोला जाता है एसेप्टो सिरिंज। इसे क्या बोला जाता है? ब्लब सिरिंज। और इसे बोला जाता है म्यूकसकर। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछे कि इन सब का काम क्या है, तो अल्टीमेशन इन सब का काम भी वो सेम टू सेम देखने को मिलता है। एसेप्टो सिरिंज भी भैया जी छोटा सा सक्शन करने के लिए, नाक मुंह में भरे हुए सिक्रेशन को निकालने के लिए। ब्लब सिरिंज का काम भी वही होता है कि इसके पीछे वाला ब्लब अलग से कर दिया। और ये आपका म्यूकस सकर, आपको पता है कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है, तो ध्यान रखिएगा, अब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए अपन जो सक्शन एपरेटस को कनेक्ट करते हैं, तो उसके बीच में ये लगा देते हैं, ये एक सक्शन चैम्बर से लगा देंगे और इस साइड से कैथेटर लगा करके बच्चे में से सिक्रेशन खींचेंगे। तो ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान रखिएगा, सक्शन मशीन, नेगेटिव प्रेशर, ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहेगा कुछ इस प्रकार से, जल्द लगने वाला स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा। रुकना बिल्कुल नहीं है, जमी पे बैठ के क्या आसमान को देखते हो, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। 360 डिग्री की ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। और आज का मेरे द्वारा बोला गया ये स्टेटमेंट तो कई लोगों के दिल को सुकून दे जाएगा और कई लोगों को खुशियां दे जाएगा। हाश भगवान, कभी बंदे ने बोला तो सही कि आज मैं भी छुट्टी लेने के बारे में सोच रहा हूं। चलेगा, सोच रहा हूं, लूंगा या नहीं लूंगा, कम से कम ये भी तो सुकून देगा। लेकिन पड़ोसी के लिए यही रहेगा कि तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे, रुकेंगे तो हम नहीं, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखिएगा, इतिहास बदलेगा ये भी होगा, इतिहास बदलेगा ये मेरी गारंटी है। ए ए ए ए ये सब का जवाब आया है, ए चाइल्ड इज एडमिटेड, एक बच्चा भर्ती हो गया है विथ ए सीवियर हेडेक, भयंकर सरदर्द हो रहा है, फीवर बुखार भी आ रहा है, वोमिटिंग उल्टी भी हो रही है, फोटोफोबिया, क्लासिकल फीचर्स आया है, फोटोफोबिया, पकड़ लो। फोटोफोबिया का मतलब होता है इरिटेशन फ्रॉम द लाइट, लाइट से इरिटेट होने लगे, ड्राउजीनेस, थका एंड स्टीप इन द नेक, और गर्दन में खिंचाव या गर्दन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लक्षण सारे मेनिनजाइटिस बता गया, मुझे ऑप्शन पढ़ना है तो पढ़ लो। अरे विथ ए वायरल मेनिनजाइटिस, इसको ने बोल दिया कि वायरल मेनिनजाइटिस मरीज में देखने को मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेनिनजाइटिस? मेनिनजाइटिस इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजियस, मेनिंजियस का इन्फ्लेमेशन हो जाना मेनिनजाइटिस कहलाता है। ठीक है, सी विल बी मोर कंफर्टेबल इफ द नर्स, अरे वो मरीज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कब फील करेगा। चलो पहला ऑप्शन बोल रहा है डिम द लाइट इन हियर रूम, अरे उसके कमरे की लाइट को थोड़ा हल्का कर दो ताकि इरिटेशन रुक जाएगा। दूसरा बोल दिया एनकरेज हर टू ब्रीथ स्लोली एंड डीपली, धीरे लें लेकिन गहरी सांस लें। प्यारे दोस्तों मेनिनजाइटिस वाले मरीज में मोर चांस ऑफ इंक्रीज आईसीपी होता है। ध्यान रखिएगा मेनिनजाइटिस का मतलब क्या देखने को मिलता है, मेनिनजाइटिस, ध्यान रखिएगा मेनिनजाइटिस दो प्रकार के होते हैं, पेकी मेनिनजाइटिस और लेप्टो मेनिनजाइटिस। अरे क्या होते हैं? पेकी मेनिनजाइटिस और लेप्टो मेनिनजाइटिस होते हैं। अरे ध्यान रखिएगा लेप्टो में क्या होगा, तो पायामेटर और एरिकनोइड मेटर होता है, और इसमें भैया जी ड्यूरामेटर, एरिकनोइड मेटर और पायामेटर तीनों का इन्फ्लामेशन हो जाना होता है। अब इन मरीजों में आपको पता क्या देखने को मिलता है, तो लिख सकते हो मोर चांसेज, अरे इनमें क्या देखने को मिलता है, मोर चांसेज ऑफ इंक्रीज, अरे क्या होते हैं, मोर चांसेज ऑफ इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं, मरीज में आईसीपी बढ़ने के चांसेज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यहां पर अपन स्टार बना करके ये लिख सकते हैं कि मरीज में यहां एक स्पेशल साइन आता है जिसका नाम है कर्निंग साइन। अरे कौन कौन सा साइन आता है, कर्निंग साइन, और दूसरा कौन सा देखने को मिलता है, तो लिख सकते हो
अरे ब्रुजकेंसी साइन, ध्यान रखिएगा ब्रुजकेंसी साइन और कर्निंग साइन। ब्रुजकेंसी साइन का मतलब मरीज को सुपाइन पोजीशन दो, उसके बाद बोलो कि बेटा अपने घुटनों को टच करके दिखा बिना घुटनों को फ्लेक्स किए। जैसे ही वो गर्दन को उठाएगा बोलेगा अरे मम्मी मर गया रे, दर्द हो रहा है, उस चक्कर में वो अपने पैरों को फ्लेक्स कर लेता है, दैट इज कॉल्ड ब्रुजकेंसी साइन। कर्निंग साइन का मतलब जब हमने उसके पैर को लेकर के 90 डिग्री पे होल्ड किया तो वो बोल रहा है मेरी थाई वाली मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेन हो रहा है, तो ब्रुजकेंसी और कर्निंग साइन वो आर द क्लासिकल फीचर्स ऑफ मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा लंबार पंक्चर। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या देखने को मिलता है, तो जवाब आता है लंबार पंक्चर इज ए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा एडल्ट में कहां करेंगे, L3 L4 करेंगे, और बच्चे में कहां करेंगे, L4 L5 में करेंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड नीचे होती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार बना करके लिख लीजिएगा इस चीज को, बेवकूफों की तरह दोनों हो, अगर पंक्चर वहीं कर दोगे तो कॉर्ड को पंक्चर कर दोगे, कॉर्ड बचाना हमारी प्राइम मोटर रिस्पांसिबिलिटी है, जिस चीज के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको सुरक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी है। गाड़ी चलाएंगे, तेज चलाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन इतना भी जल्दी ना पहुंचो कि ड्राइवर ही मर जाए, समझ पा रहे हो, तो एटलीस्ट ये इतनी जल्दबाजी ना कर दें, इतनी जल्दबाजी ना कर दें कि मरीज की कॉर्ड को ही आप फोड़ दो, परफोरेट कर दो। तो एडल्ट के लिए L3 L4 और बच्चे के लिए L4 L5 होता है। बच्चे के लिए क्या देखने को मिलता है, अगर एग्जामिनर लिख दे C4 चिल्ड्रन, क्यूट क्यूट बच्चा, अरे क्यूट क्यूट बच्चे के लिए ये जाएगा, और लिख दे A4 एपल, A4 एडल्ट, अरे A4 एपल, A4 एडल्ट वाला मामला, तो इसको फोकस कीजिएगा। और नीचे वाले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए मार्कर यही रहेगा, मेटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा बेटा। चलो अब ऐसे मरीज को इलाज के लिए क्या दिया जाता है, पेनिसिलिन नाम की दवाई दी जाती है। ऐसे मरीज को इलाज के लिए क्या दिया जाता है, तो पेनिसिलिन नाम की दवाई दी जाती है। और नेक्स्ट इवन देन आगे की तरफ बढ़े तो मरीज को गुड एनवायरमेंट, कूल एनवायरमेंट, शांति पीरियड, डिम लाइट, डार्क रूम, ऐसी चीजें दी जाती है जिससे मरीज थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा। मरीज को पोजीशन कौन सी दी जाती है, तो न्यूट्रल पोजीशन विद द एलिवेशन ऑफ द हेड दिया जाता है। स्टार बना करके लिख लीजिएगा पोजीशन का नाम क्या होगा, न्यूट्रल पोजीशन विथ एलिवेशन ऑफ हेड, न्यूट्रल पोजीशन विद द एलिवेशन ऑफ द हेड वाला मामला देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको प्यारे दोस्तों क्या बोल दिया, प्लेस ए लार्ज सॉफ्ट पिलो अंडर द हेड, तकिया नहीं लगाना है बेटा, पोजीशन को ऊपर लाना और न्यूट्रल करना है ताकि एकदम फ्लो बराबर हो, वरना तकिया लगा दोगे तो गर्दन यहां से फ्लेक्स हो जाएगी और जो CSF का फ्लो है वो होगा ही नहीं, दिमाग में प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, और मैं और तुम दोनों मिलकर नहीं चाहते हैं कि इस मरीज का प्रेशर बढ़ जाए। प्रेशर बढ़ना चाहिए किसका, पड़ोसी का, अरे उड़ा दीजिएगा ये वाला, उड़ा दीजिएगा। नेक्स्ट हो गया ऑफर द सिप्स ऑफ वार्म लिक्विड, क्यों गरम गरम पिलाने पे तुले हो, सर्दी का मौसम है, अरे सर्दी का मौसम है तो कंबल दे दो, कंबल ना दे सकते हो तो और कुछ दे दो, लेकिन प्यारे दोस्तों बिल्कुल और कुछ का मतलब गलत ना ले, ध्यान रखिएगा वार्म लिक्विड गरम गरम पिलाने से मुंह जल जाएगा, इसको गर्मा गर्म चीजें देने से वेजोडाइलेशन होता है, अरे हॉट एप्लीकेशन या वार्म एप्लीकेशन शुड बी गिवन द वेजोडाइलेशन, और वेजोडाइलेशन फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा दिमाग के खून ज्यादा जाएगा, दिमाग का खून ज्यादा जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, वाह क्या कंसेप्ट है, उड़ा दो। नेक्स्ट हो गया एनकरेज हर द ब्रीथ स्लोली एंड डीपली, इसे बोलो धीरे धीरे और गहरी सांसें ले, अरे बेटा धीरे धीरे और गहरी गहरी सांसें लेगा तो CO2 रुकेगी, CO2 रुकेगी तो दिमाग में जाएगी, दिमाग में जाएगी दिमाग के तार हिला जाएगी, क्या तुम और मैं दोनों चाहते हैं कि इसके दिमाग के तार हिल जाए, नहीं, हमारी उम्मीद है एग्जामिनर उसके हिलाएंगे तार दिमाग के, इनके परेशान करने से क्या होगा, उड़ा दो। तो इसे क्या करना है सर, डिम, ओय होय होय होय, डिम का मतलब हल्की, अरे लाइट का मतलब बत्ती, रूम का मतलब कमरा, कमरे की लाइट, अरे अरे ध्यान रखिएगा बत्ती गुल मीटर चालू, राइट आंसर क्या जाएगा, ए चला जाएगा, क्लियर है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड की ठंडी ठंडी सर्दी में पी लीजिएगा चाय, राइट आंसर गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा पहचानिएगा और फिर अपना जवाब दीजिएगा, रट्टू तोता बनने की कोशिश ना करें,
सबके सही हो रहे हैं आज तो, माहौल में हो तुम बुरे। सवाल बोल रहा है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट ए आईवी इन्फ्यूजन, नर्स कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है मरीज को फ्लूड लगाए। अरे बिफोर इंसर्टिंग ए नीडल इनटू द वेन और नीडल, अरे वेन में नीडल डालने से पहले, वेन में नीडल डालने से पहले, अरे द नर्स शुड द अप्लाई ए टोर्निक्वेट, और वो उसमें टोर्निक्वेट अप्लाई करना चाहती है, और वो उसमें टोर्निक्वेट अप्लाई करना चाहती है टू द क्लाइंट आर्म, मरीज के हाथ पे, ए कंप्लीट विच ऑफ द फॉलोइंग, और क्यों करना चाहती है? तो पहला बोल दिया डिस्टेंडेड वेन, वेन को डिस्टेंट करने के लिए। दूसरे नंबर पर हो गया कि स्टेबलाइज द वेन, वेन को स्टेबल करने के लिए कि भाई दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, अरे भैया जी इधर उधर पड़ोसी की तरफ ना जाएं। तीसरा हो गया कि इमोबिलाइज द आर्म, आर्म को इमोबिलाइज कर दे, हाथ ना हिल पाए, हाथ नहीं हथौड़ा है। लास्ट बोल दिया कि ऑकल्ड आर्टीरियल ऑकल्जन, और आर्टीरियल ऑकल्जन को क्या करना है? आर्टीरियल ऑकल्जन सर्कुलेशन, तो ऐसा कोई काम नहीं है कि ऑकल्ट द आर्टीरियल सर्कुलेशन, उड़ा दीजिएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। इमोबिलाइज द आर्म, अरे हाथ को करना है तो टोर्निकेट क्यों लगाओ, हथकड़ियों से बांध दो, पुलिस वाली चीजों से बांध दो, उड़ा दीजिएगा। स्टेबलाइज द वेन, वेन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, नहीं हमारा टारगेट है जैसे ही टोर्निकेट लगाएंगे वेन डिस्टेंडेड हो जाएगी, और डिस्टेंडेड हो जाएगी तो क्लियर या इजी टू विजुअलाइज, और इजी टू विजुअलाइज होगी तो सिंगल प्रिक पेनिट्रेट इनटू द वेन, आराम से वेन में लगा लेंगे, वरना भैया जी वेन को परफोरेट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां टारगेट क्या देखने को मिलता है, इजीली टू विजुअलाइजेशन ऑफ वेन, आराम से दिख जाएगी, इसलिए टोर्निकेट लगाते हैं। ये आपकी प्रोमिनेंट कर देती है, ये क्या कर देती है? प्रोमिनेंट। अरे ये वेन को क्या कर देती है? प्रोमिनेंट कर देती है, ऊपर कर देती है, उछाल देती है, दिखा देती है। राइट आंसर क्या जाएगा? ए, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, फोटो को देखें, पहचाने परखें और फिर जवाब दें। हाँ, प्रॉपर विजुअलाइजेशन। बहुत खुशी हो रही है जब सही हो रहे हैं, तो तुम कल्पना करो जिस दिन तुम सिलेक्शन निकाल के लाओगे तुम्हारी खुशी का क्या ठिकाना होगा? क्या तुम उस दिन बोलोगे कि मैं बहुत ज्यादा थक गया था, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ा था? नहीं, एक सेकंड भी महसूस नहीं होगा। रियली यार, जिस दिन तुम सिलेक्शन निकाल के लाओगे चुटकी भर में तुम्हारी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ऑटोस्कोप, 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 वेल डन बेटा। अरे जिसके ये ईयर, ईयर स्पेकुलम होते हैं, अरे इन्हें ईयर स्पेकुलम के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? ईयर स्पेकुलम। ईयर स्पेकुलम का मतलब कान के आगे की तरह बड़ी हुई डंडिया, अलग अलग साइज की आती रहती है, और इस डिवाइस को बोला जाता है ऑटोस्कोप, और ऑटोस्कोप का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ ईयर, या आप बोल सकते हो डायरेक्टली विजुअलाइजेशन ऑफ ईयर। ध्यान रखिएगा डायरेक्टली विजुअलाइजेशन ऑफ ईयर वाली चीज क्या कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा इसे ऑटोस्कोप बोला जाता है। अरे इसे क्या बोला जाता है? ऑटोस्कोप बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये ऑटोस्कोप के लिए आपको ईयर एग्जामिनेशन पता होगा कि लेस देन थ्री ईयर, तीन साल से छोटे हैं, तो इनमें ईयर को क्या किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। अरे क्या करते हैं? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड किया जाता है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड किया जाता है। वहीं पे मोर देन थ्री ईयर, तीन साल से बड़े हैं, तो क्या किया जाता है? अपवर्ड एंड बैकवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे बोला जाए कि तीन साल से छोटा बच्चा है, अगर आपसे बोला जाए कि कोई तीन साल से छोटा बच्चा है, तो कान को क्या करेंगे? सर आप हैं तो सिलेक्शन है, डेफिनेटली होगा बेटा। ध्यान रखिएगा लेस देन थ्री ईयर में क्या करेंगे? कान को नीचे खींचो, तो याद कर लेना छोटे बच्चे में कान को नीचे खींच के पीछे करो, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है वो एस शेप में होती है, और वो जब नीचे और पीछे करोगे तो सीधी हो जाएगी। और एडल्ट में खींचनी है तो ऊपर खींचो, ऊपर करके पीछे करो। ध्यान रखिएगा ऊपर करके पीछे करो और नीचे करके पीछे करो, दोनों में जाना तो पीछे आगे नहीं जाना, जिससे इन दोनों के तरीके से ये क्या देखने को मिलता है? आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्ट्रेट हो जाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ईएसी क्या देखने को मिलती है? स्ट्रेट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? स्ट्रेट देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आई मेरी बात? बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट सवाल ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो पहले बता देता हूं, आश्वस्त कर देता हूं, मामला टक्कर का है। फिर बोलोगे न था अपना सर, इंफॉर्मेशन बता दो स्वर्णिमा, जैसे ही आंकड़ा लगेगा बता दूंगा बेटा, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। एक बच्चा लिख रहा है सर कहीं नहीं जाना है, जाऊंगा मैं कहीं नहीं, ये चिंता मत करो। नहीं, यूएसजी में कैंसर का कोई पता नहीं चलता बेटा, कैंसर बायोप्सी से कंफर्म होता है, ट्यूमर की साइज कोई छोटी मोटी पता चल सकती है कि मरीज में ट्यूमर है, लंप बन रहा है, क्या है। अब क्या है क्या नहीं है वो तो आगे बताएगा वक्त, बताएगा वक्त, वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। कहीं तो आज ही रेस्क्यू पे लग जाएंगे, माजरा क्या है, बात क्या है, प्रद्युमन की तरह कुछ तो गड़बड़ है। ए बी ए बी ए बी। चलो, द नर्स इज ए डेवलपिंग ए प्लान, एक नर्स प्लान की तैयारी कर रही है, ठीक है, ऑफ ए केयर ऑफ क्लाइंट, किसी मरीज की केयर के लिए, अरे विथ ए इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, और उस मरीज की केयर के बारे में सोच रही है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया। नेक्स्ट बोल दिया एंड आइडेंटिफाई ए नर्सिंग डायग्नोसिस, और नर्सिंग डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करना चाहती है। ऑफ ए डिक्रीज ए फिजिकल मोबिलिटी, वो मरीज जिसकी मोबिलिटी, फिजिकली मोबिलिटी कम हो गई है। नेक्स्ट हो गया विच अल्ट्रेशन मोस्ट लाइकली द इटियोलॉजी, अरे ध्यान रखिएगा कोई भी व्यक्ति जिसकी फिजिकली एक्टिविटी या फिजिकली मोबिलिटी कम हो गई तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस बताना है फिजिकली इमोबिलिटी वाले में, यानी वो व्यक्ति जो मूवमेंट कम करता है। तो बच्चे जो जितने भी बच्चे बी जवाब दे रहे हैं, आप लोगों को मैं स्पष्टली बता देता हूं, आपको पता होगा इमोबिलाइज पेशेंट में बोन में से कैल्शियम लॉस ज्यादा होता है और मरीज में हाइपरकैल्सीमिया होता है। आपको पता है प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट में हाइपरकैल्सीमिया होता है, होता है या नहीं होता है ध्यान रखिएगा। अरे यहां क्या होता है प्रोलॉन्ग, ध्यान रखिएगा प्रोलॉन्ग बेड बेड रिडन पेशेंट में हाइपर कैल्सीमिया होता है। अरे कैल्शियम का लॉस ज्यादा होता है न कि कम होता है, तो ये तो उड़ा दो। हाइपरनेट्रीमिया प्यारे दोस्तों, लगातार बिना मूवमेंट वाली कंडीशन में हाइपरनेट्रीमिया नहीं होता है, बल्कि लगातार बेड रिडन वाले पेशेंट में फ्लूड के लेवल में वेरिएशन आएगी, शरीर में पानी की कमी रहेगी, और पानी की कमी रहेगी तो अपने आपका सोडियम की कमी रहेगी। दूसरा प्रोलॉन्ग बेड रिडन या डिक्रीज फिजिकल मोबिलिटी, यानी वो अपने काम को कम कर चुका है, इसका मतलब मरीज में मस्कुलर वीकनेस देखने को मिल रही है। मरीज में क्या देखने को मिलती है, मस्कुलर वीकनेस। अरे कमजोर होता है वही तो मूवमेंट नहीं करता है, और कमजोर होना मूवमेंट नहीं करना वो इंडिकेट करता है हाइपोकैलेमिया। ध्यान रखिएगा ये चीज, मैंने कई दफा पढ़ा रखी है कि मस्कुलर वीकनेस इज ए मोस्ट मार फीचर्स ऑफ द हाइपोकैलेमिया। पहला लिख दिया हाइपरनेट्रीमिया होगा, ना बेटा हाइपो होगा। अरे यहां क्या होना चाहिए, हाइपोनेट्रीमिया होना चाहिए था। अगर बात करें कवि की, लास्ट बोल दिया हाइपोमैग्नीशियमिया मस्कुलर वीकनेस नहीं करता, हाइपरमैग्नीशियमिया मस्कुलर वीकनेस करता है। ध्यान रखिएगा यहां क्या होना चाहिए था, हाइपर मैग्नीशियमिया। अरे क्या देखने को मिलता, हाइपर मैग्नीशियमिया मरीज में मस्कुलर वीकनेस करता है। तो कवि की कल्पनाओं के कलम से निकली गई कहानी की किरदार में उतारने की भावनाओं को देखा जाए तो यहां 100 बातों की एक बात। वो कहते ना सारी दुनिया एक तरफ और भैया जी तेरा कमरा एक तरफ। राइट आंसर क्या चला गया, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया बोले तो डिक्रीज पोटेशियम कंसंट्रेशन, पोटेशियम 3.5 to 5.1 मिलीक्विलेंट पर लीटर होता है। अरे होता है या नहीं होता है, होता है। और इसमें 3.5 से कम हो जाना सोडियम की कमी को इंडिकेट, पोटेशियम की कमी को इंडिकेट करके जाएगा। चले आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे अच्छे अच्छे सवालों से अच्छी अच्छी बातें सीखे, जो आसान लगता है लेकिन आसान नहीं होता है। इस बार किरदार में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जिंदगी में अपना किरदार इतनी अच्छी तरीके से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, बजती रहे, बजती रहे।
साथ साथ में लाइक वाले बटन को देखते रहेगा, तुम्हारे मोबाइल में लाइक वाला मामला कैसा क्या चल रहा है। हाँ, पोटेशियम वाला होता है बेटा, ऑपरेशन वाले मरीज में पोटेशियम को जरूर ऑब्जर्व किया जाता है क्लोजली। ए ए ए सवाल आपसे पूछ रहा है कि भैया जी प्रो क्लोरप्रेजीन अरे इज ए प्रेस्क्राइब्ड पोस्ट ऑपरेटिवली। पहली बात, यह दवाई कैसी है तो ध्यान रखिएगा, सेडेशन विद द एंटीमेटिक का काम करती है। अरे ध्यान रखिएगा, अरे करती है या नहीं करती है, करती है। सेडेशन विद द एंटीमेटिक यानी हल्की हल्की नींद आएगी और उल्टियां कम कर देगी। तो इसका काम होता है डिक्रीज वॉमिटिंग, अरे इसका काम होता है डिक्रीज वॉमिटिंग और लाइट सेडेशन। और इसके साथ में लाइट सेडेशन का मतलब हल्की हल्की झोंके आती रहेगी, लाइट सेडेशन का मतलब हल्की हल्की झोंके आते रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे मित्रों, अगर ध्यान से चीज को देखने की कोशिश करें, लाइट सेडेशन और डीप सेडेशन का मतलब यह होता है, एक तो वो नींद जो भैया जी कुंभकर्ण वाली नींद है, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार बोल बोल के थक गए लेकिन हिले डुले ना, लाइट सेडेशन का मतलब सो रहा है। किसी ने आवाज दी, हाँ वापस हो गया, हाँ वापस हो गया, अरे सो रहा है जाग रहा है, सो रहा जाग रहा है, लाइक दैट मूवमेंट इज लाइट सेडेशन। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब आपको बोल दिया कि द नर्स शुड बी इवैल्यूएट द ड्रग थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और नर्स इस दवाई का थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखना चाहती है कि जिसके लिए दिया वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अरे जिसके लिए दिया वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, द क्लाइंट एक्सप्रेस रिलीफ फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन को खत्म करता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन को वही दवाई खत्म कर सकती है जो आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाएगी, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाने वाली दवाई होती है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली। बोले तो भैया जी कौन सी देखने को मिलती है, तो जिसे अपन कोलिनर्जिक के नाम से जानते हैं, वो आपके बॉडी के मूवमेंट बढ़ा सकती है, तो ये तो उड़ा दो। या फिर कैथारेसिस जिसे एनिमा के रूप में जानते हैं, ये वाला उड़ा दो। नेक्स्ट एब्डोमिनल स्पाज्म, क्या ये पेट में खिंचाव करेगी, तो पेट में खिंचाव भैया जी कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम की कमी के कारण, या मरीज के अंदर स्पाज्मोडिक कोई दवाई दोगे तो वो वाली चीज होती है। अरे क्या ये डिजीनेस को चक्कर चक्कर आ रहा है, चक्कर न तो आ रहा है न चक्कर चल रहा है, चक्करों के चक्करों में घुलने की कोशिश ना करें, तो ये नोजिया को कम करेगा। कौन से को करेगा, नोजिया, जी मचला रहा था, और हर जी मचलाना प्रेगनेंसी का संकेत नहीं होता। निकम्मे इंसानों कहीं भाई भाई साहब का भी जी मचलाता है क्या, वो भी प्रेग्नेंट है, तो यहां होता है जी मचलाना, जी मचलाना। ध्यान रखिएगा, जी मचलाना नोजिया को इंडिकेट कर रहा है, तो जब ये उल्टी को रोक सकता है तो नोजिया कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से, वाव क्या डिवाइस आई है, आइडेंटिफाई द गिवन डिवाइस इंस्ट्रूमेंट मशीन्स या फोटो, जो भी है देखो पहचानो परखो और फटाक से जवाब दो। मेमोग्राफी, मेमोग्राफी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मशीन, बहुत बढ़िया। अब ये आपके सामने डिवाइस दी गई है, ये फुट पैड है, और ये डिवाइस क्या है, ये है एक्सरे विजुअलाइजेशन देखने के लिए डिवाइस, ये एग्जामिनर का काम है, ये पेशेंट के लिए। ध्यान रखिएगा, बीच में अगर मैं दीवार बनाऊं तो इस साइड में पेशेंट खड़ा रहेगा, और ये मशीन कहलाती है प्यारे दोस्तों मेमोग्राफी। अरे ये डिवाइस क्या कहलाती है, मेमोग्राफी के नाम से जानी जाती है। मेमोग्राफी का मतलब होता है एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट। अरे क्या मतलब होता है, एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट, एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट होता है, जिसे अपन मेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मेमोग्राफी के नाम से, जो किसमें देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा ब्रेस्ट कैंसर में। अरे जो किसके लिए किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में काम में लिया जाता है। अब मेमोग्राफी कितनी उम्र से पहले नहीं करनी चाहिए, तो 35 साल से पहले नहीं करनी चाहिए, मोस्टली यूजफुल, ध्यान रखिएगा मोस्टली यूजफुल आफ्टर द एज ऑफ
35 ईयर, 35 साल की उम्र के बाद मेमोग्राफी कर सकते हो। उससे पहले आपको यही मानना है कि क्या पता कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी, क्या पता कोई फीमेल प्रेग्नेंट देखने को मिली होगी, और प्रेग्नेंसी के अंदर बिल्कुल एक्सरे विजुअलाइजेशन आपका कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, तो ये वाली डिवाइस, अरे ध्यान रखिएगा ये वाली डिवाइस उसी के लिए होती है। अब ये मेमोग्राफी कौन सी पोजिशन में की जा सकती है, तो या तो स्टैंडिंग में करेंगे या प्रोन पोजिशन में होती है। ध्यान रखिएगा या तो स्टैंडिंग पोजिशन में होगी, अरे या तो कौन सी पोजिशन में होगी, स्टैंडिंग पोजीशन में देखने को मिलेगी, और या फिर कौन सी पोजीशन में देखने को मिलती है, प्रोन पोजीशन में देखने को मिलती है। या तो मरीज को उल्टा सुला दिया जाता है या मरीज खड़ा खड़ा देखने को मिलता है, तो ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, या तो स्टैंडिंग पोजीशन रहेगी या प्रोन पोजीशन रहेगी। लगा स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा, ध्यान रखिएगा क्या बात है, यह आंकड़ा अभी तक आपकी नजरों में बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री की नजरों में स्टेबल आंकड़ा में देखने को मिल रहा है। जैसे ही बेहतरीन वाली चीज होगी तो उसके लिए स्टैंड बहुत बड़ा, आप सोचो कि इंफॉर्मेशन कितनी बड़ी है, तो उसके मुकाबले क्या आंकड़ा लग गया, तुम बता दो खुद ही। जब मैं आपके लिए इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन का बोल रहा हूं तो उसके मुकाबले लगा क्या, नहीं लगाना, तो कोशिश करो, और तुम कोशिश करोगे तो क्या मुमकिन नहीं है। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, और तू जरा सा साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव पर भी चलती है दुनिया मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। आप सब लोगों को दूसरा कदम से कदम मिला करके चलना है ताकि हम दुनिया को बताएंगे कि इस बार भोकाल भूचाल मचेगा एग्जाम हॉल में, ये मेरी गारंटी है। नहीं लगा तो लगाओ, और तुम लगा लोगे ये मुझे उम्मीद है। युवा, युवा का उल्टा वायु, और वायु के वेग को कोई नहीं रोक सकता, बड़े बड़े तूफानों को चेंज कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। प्रिडिक्शन तुम करते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंफर्म तो मैं ही बता पाऊंगा क्योंकि मेरे अलावा अभी तक किसी दूसरे बंदे को भी नहीं पता है ये, तो तुम काहे का प्रिडिक्शन कर सकते हो, या तो फिर मेरे दिमाग में से उस न्यूज को सीधा यू निकालो, थॉट विड्रॉल। बीसी 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 लॉन्ग ड्राइव पे चलो। सवाल ने पूछा है कि द नर्स इज असेसिंग ए ब्रेथ साउंड, नर्स किसी भी मरीज का ब्रेथ साउंड सांस के तरीके को देख रही है इन ए ब्रोंको वेसिकुलर क्लाइंट। अरे कहां पे देखा जा रहा है, ब्रोंको वेसिकुलर क्लाइंट पे देखा जा रहा है, द क्लाइंट शुड बी एक्सपेक्टेड। ध्यान रखिएगा मरीज के अंदर अगर साउंड को देखोगे, ब्रोंकियल साउंड होता है, वेस्कुलर साउंड होता है, और ब्रोंको वेसिकुलर का मतलब लंग्स के बीच में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा आप यहां पर किसी भी साउंड को असेस कर रहे हो, क्या यह इंस्पायरेशन इज लॉन्गर देन एक्सपायरेशन होगा, यानी सांस अंदर, ध्यान रखिएगा इंस्पायरेशंस इज लॉन्गर देन एक्सपायरेशन, यानी गहरी सांस ले रहा है छोड़ने की तुलना में, तो बेटा छोड़ोगे नहीं तो लोगे कैसे। भगवान ने भी बोला था कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए कुछ वाली चीजों में चेंजेस देखने को मिलता है। अमृता पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, अफवाहों में विश्वास ना करें, कंफर्मेशन मेरे द्वारा ही जनरेट होगा। ध्यान रखिएगा यहां पर देखने को मिलेगा पहला गलत, अरे ज्यादा लोगे तो ये कौन सा पिटारा है, कोई देश की जनसंख्या तो है नहीं कि अंदर सांस खींचोगे और जनता में निकल जाएगी, नहीं है। दूसरा आपके सामने लिख दिया ब्रेथ साउंड आर हाई पिच, ब्रेथ साउंड में हाई पिच, अरे पिच साउंड बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा उड़ा दो। अरे ब्रेथ साउंड आर द स्लाइटली मफल्ड, मफल्ड का मतलब डम 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 जैसी आवाज आती है इंफ्लामेशन में, तो यहां आपको बोलने को मिलेगा कि सांस की कैपेसिटी तो बेटा जितना इंस्पायर करोगे उतना ही एक्सपायर कर पाओगे। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर, ध्यान रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या हो गए, समानांतर हो गए, दोनों बराबर हो गए, दोनों में कोई ज्यादा परिवर्तन वाली चीज नहीं देखने को मिली, और राइट आंसर यहां क्या चला गया, तो आपका जवाब आएगा डी। और इसी के साथ में प्यारे मित्रों आज के दिन की घड़ी की टिकनिक ने बोल दिया है समय की सीमाएं हुई है समाप्त,
उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोगों ने आज के दिन के धमाकेदार सेशन को किया होगा बहुत अच्छे से एंजॉय। इंफॉर्मेशन के बारे में जो बोला है वो आपको डेफिनेटली बताई जाएगी जब उसके मुताबिक आपके द्वारा आंकड़ा क्रिएट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए और तमाम उन विद्यार्थियों के लिए जो नर्सिंग क्षेत्र में अपने परचम को लहराना चाहते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि जब बात 360 की आती है वहां 360 की जुड़ी तमाम चर्चाएं आपके साथ में शेयर की जाती है। और ये वो सीरीज है जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को अपन लपेट के उनको उसकी औकात दिखा सकते हैं। एग्जामिनर को खुला चैलेंज रहेगा कि पेपर जितना टफेस्ट से टफेस्ट बना सके बना लेना, इस बार तुम्हारी खोपड़ी में छेद करने तो हम ही आएंगे बिना किसी रुके झुके थके बिना किसी डगे। ध्यान रखिएगा सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत की जाती है। ध्यान रखिएगा हो चुका आघाचरण का युग बदलने की तैयारी में, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अपने संघर्ष के जारीपन को दिखाएं और खुद को हमेशा एक लाइन बोले मेरा तो होगा। अपने आप को अकेला बैठो तो कभी भापने की कोशिश करो कि अगर तू तेरे सपनों के लिए नहीं जिएगा तो कौन जिएगा। अरे तू अपने बारे में नहीं सोच सकता तो कौन सोच सकता है। दुनिया में गुरु और मां बाप के अलावा तीसरा शख्सियत नहीं मिलेगा जो आपकी तरक्की का इंतजार कर रहे हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो उन तमाम लोगों के सपनों को साकार करने की कोशिश कीजिएगा जो तुमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, और उन लोगों का भी जरूर सोचिएगा जिन्होंने कहा था कि तुमसे न हो पाएगा, उन्हीं को करके दिखाएंगे। पहला काजू कत्ती का डब्बा उन्हीं के घर पे जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं 80,000 की सैलरी ले पाया। अरे ध्यान रखिएगा ठुकरा दिया था जिन लोगों ने मुझे मेरा वक्त दे करके, अरे एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन्हीं लोगों को मुझसे मेरा वक्त लेकर के। अपने वक्त की कीमत कीजिएगा क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो हर पल ये बोलता है कि मैं निकल जाऊंगा। अच्छा है तो भी निकल जाएगा और बुरा है तो भी निकल जाएगा, इसका मतलब यूटिलाइजेशन कीजिएगा। और अपना समय बनाना पड़ता है, किस्मत बनती नहीं अपनी, किस्मत खुद लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा हालात की बंजरों जमीन से जो निकल के आते हैं वही इतिहास रच के दिखाते हैं। तो बिना मेहनत के यूं जयजयकार नहीं होती है, बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता है। मेहनत करो, अपने ऊपर विश्वास जताओ और अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश करो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछ बंदे से बता तेरी रजा क्या है। अपने काबिलियत में इतना स्ट्रांगनेस लाएं कि भगवान खुद बोले कि बोल बेटा आखिरकार करना क्या चाहता है। तो आप मुस्कुरा करके कहना है कि एम्स में नौकरी, तो भगवान बोलेंगे चल इस बार तेरी बारी है। डेफिनेटली वो मंजर और वो दिन आएगा और वो दिन इतना खूबसूरत होगा जब आप अपने मम्मी पापा के सामने खड़े होकर के अपने मम्मी पापा को अपने मोबाइल में देख करके बोलोगे कि मम्मी पापा देखो मेरा रिजल्ट आ गया और मैं नर्सिंग ऑफिसर बन गया। और उनकी आंखों में जो चमक आएगी ये शब्द सुनते ही भगवान की कसम वो दुनिया की सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पावर होगा। वो तुम्हारे सारे के सारे तकलीफों दुखों को एक सेकंड में खींच लेगा जैसे कि वैक्यूम ने खींचा है, और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी, सबसे बड़ी पूंजी होगी। उससे ज्यादा तुम कभी भी अमीर नहीं हो सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूं। पैसा बहुत कमाओगे, पहली सैलरी 2.5 लाख के आसपास आएगी 2-3 महीने की, फिर हर महीने 80,000 इंक्रीमेंट लगता रहेगा, DATA बढ़ता रहता है हर महीने 80,000 90,000 लाख 2 लाख बढ़ती रहेगी सैलरियां, 5-5 लाख तक पहुंच जाओगे, करोड़ों रुपए खाते में अकाउंट बैलेंस होगा, मोबाइल होगा, गाड़ी होगा। लेकिन जो माता पिता के चेहरे पे तुम्हारे कारण जो खुशी आएगी वो दुनिया की सबसे बड़ा तुम्हें रिच पर्सन बनाएगी, और ये मेरी गारंटी है। भगवान ने इस दुनिया में अपने को हर एक बंदे को मौका दिया है कि अपने कारण अपने माता पिता के चेहरे पर चमक ला सकें, उन्हें खुशी मुस्कुराहट दे सकें और वो पूरी दुनिया को गर्व से कह सके कि मेरा बेटा या बेटी उस एम्स में काम करता है। तुम्हें भगवान जरूरत ना पड़ के, लेकिन अगर कभी जरूरत हो तो मेरे बेटे के पास चले जाना या मेरी बेटी के पास चला जाना, वो इतना तगड़ा तुम्हारा इलाज करवाएंगे कि तुम एकदम सही हो जाओगे। तो सामने वालों में जो चीज निकल के आएगी वो गर्व निकल के आता है, वो फील निकल के आता है, वही होता है 56 इंच का सीना। तो ध्यान रखिएगा भगवान ने ये मौका हमें दिया है, हमारे माता पिता ने हमें मौका दिया है इस प्रोफेशन में आने के लिए, इस प्रोफेशन में कुछ करने के लिए। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, अपने प्रोफेशन से प्यार कीजिएगा। जो अपने प्रोफेशन से प्यार करेगा प्रोफेशन उसको इतना कुछ देकर चला जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और हम अपने प्रोफेशन से दिल खोल के प्यार करते हैं और प्रोफेशन ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम स्वीकार करते हैं और आगे भी बहुत कुछ देता रहेगा। तो अपने प्रोफेशन की कभी भी गाली मत दीजिएगा, प्रोफेशन को गर्व के साथ कहिएगा कि हाँ आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट और आई एम प्राउड टू बी ए नर्स। अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर प्राउड फील कीजिएगा, बहुत कुछ बदलने वाला है, जिंदगी बदल जाएगी, समय बदल जाएगा और यह कठिन परिश्रम बदल जाएगा और वो मंजर भी आएगा, और वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब आपकी सफलता दिल खोल के नाचेगी। चलेगा, आज के सेशन को यहीं पर देता हूं विराम। अगर लगा सेशन आज का जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला और अच्छे से मोटिवेशन के साथ लबरेज, तो क्लास को लाइक और शेयर करने में कभी मत छोड़िएगा। आज के सेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा जो हमें ऊर्जा देगा, मोटिवेशन देगा, चेहरे की चमक मुस्कुराहट के साथ में कंसेप्ट लॉजिक लेकर के कल फिर सुबह 9:30 बजे आपके सामने खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार करके ले आएगा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।